हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की रेमेडी बहुत ही हेल्दी और ग्लोइंग है। कितना भी बेजान आपका चेहरा हो, कितना भी डल स्किन हो गई हो, आप इस तरीके से एक बार बेसन को यूज़ करके देखना। ये मैंने लिया है सरसों का तेल। ईजिली घर पे होता है और जो चीज़ें घर पे होती हैं उनकी हम इतनी वैल्यू नहीं करते हैं जितने कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हमारे पास नहीं होते हैं। तो आपको हल्के फ्लेम पे सरसों का तेल गरम करके उसको ठंडा कर लेना है। एक चम्मच या छोटे दो चम्मच आप ऐड कर लेंगे बोल में सबसे पहले, और उसके बाद भर के चम्मच आपको बेसन डाल लेना है। बेसन इजीली घर पे होता है और ये एक्सफोलिएट करता है, स्क्रब करता है और हमारे चेहरे में एक नई जान डालने का काम करता है। और जितनी भी डैमेज स्किन हो, बेसन झटपट रिपेयर करने का काम करता है। हमारे नोज के आसपास वाइट हेड्स आ जाते हैं, चिन के ऊपर आ जाते हैं, तो उसको इजीली रिमूव कर देता है। उसके बाद हम लेंगे इसमें लेमन। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, ह्यूमस वाला है, तो इसमें हमारे चेहरे पे ऑयल बहुत आने लगता है और हमारे पोर्स भी बंद होने लगते हैं, जिससे हमारे चेहरे पे डलनेस बढ़ जाती है और मुहासे भी आने लगते हैं। तो ये लेमन रिपेयर कर देगा हमारी सारी ऑयली स्किन को और हमारे पोर्स को अच्छे से क्लींज कर देगा और पीएच लेवल हमारे स्किन का मेंटेन करेगा। लेमन और विटामिन सी हमारी सेहत के लिए, हमारी स्किन के लिए बेहतरीन माना जाता है। विटामिन सी के सीरम भी यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद पिंच ऑफ इसमें कस्तूरी हल्दी डालेंगे। एंटी बैक्टीरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है, चेहरे के मुहासों को भी हटाती है और चेहरे की चमक को बढ़ाएंगे। हल्दी और दूध का पेस्ट, और इसके अंदर मैंने कच्चा दूध डाल लिया है। आप चाहो तो इसमें गुलाब जल भी डाल के तैयार कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ही ऑयली है तो आप गुलाब जल के साथ मिक्स करके इसको लगाएंगे। तो आपको अच्छे से मिक्स करके एक हेल्दी पेस्ट बना लेना है और ये हमारा मास्क बनके रेडी हो चुका है। बेसन हमारे चेहरे से जितने भी दाग धब्बे होते हैं, हमारे चेहरे पे डलनेस होती है या हमारे चेहरे का अनइवन स्किन टोन हो गया है, सबको ईजीली हटा देता है। तो आप भी इसको लगाना स्टार्ट कीजिए। अगर आप लगाते नहीं हैं, एक बार में कई बार रिजल्ट नहीं मिलता है, आप इसको रेगुलरली वीक में 3 बार बेसन का फेस पैक लगाना, कोई भी नुकसान नहीं करता, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। मैं तो इसको पूरा वीक भी लगा लेती हूँ बेसन का, जब भी मैं रेमेडी यूज़ करती हूँ अपने फेस पे लगाती हूँ, और जो भी बाकी बच जाता है उसको मैं अपने फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ, नेक्स्ट डे फिर से अप्लाई कर लेती हूँ। क्योंकि मेरा चेहरा कभी कभी ऑयली हो जाता है, कभी नॉर्मल स्किन नज़र आती है, मौसम के हिसाब से हमारे स्किन पे भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो घर पे रखी ये चीज़ें इजीली हमारे चेहरे को ग्लोइंग भी बनाती हैं। जब हम इनको रेगुलरली कंटिन्यू यूज़ करते जाएंगे तो हमें किसी प्रोडक्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएशन करता है, चेहरे के दाग धब्बे मिटाने हो, फाइन लाइंस हैं, झुरिया रिंकल्स रोकनी हो, क्योंकि सरसों के तेल में विटामिन ई भरपूर होता है और गुणों से भरपूर विटामिन ई स्किन को यंग और जवां बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 20-25 मिनट के बाद आप अच्छे से मसाज करके उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लेंगे तो आपको रिजल्ट खुद मिलेगा। उसके बाद कोई मॉइस्चर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बारिश वाले मौसम में इस बेसन के फेस पैक को आप ज़रूर लगाएं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हेल्दी रेमेडीज़ के साथ मैं आती हूँ। थैंक्स।